हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक लेशियर्स। आज मैं आपको कॉर्न चाट की रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए आप देख लीजिए। कॉर्न चाट बनाने के लिए मैंने एक कप कॉर्न पानी में हल्का सा नमक डाल के बॉईल करके रख लिया है। 5 मिनट बॉईल किया था इसको मैंने। और मैंने एक छोटा कांदा बारीक काट के रख लिया है, एक हरी मिर्ची बारीक काटी है और एक टमाटर मैंने बारीक काट के रखा है। इसका मैंने सीड्स यूज नहीं किए हैं। आधा नींबू का रस और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है जिसको मैंने बारीक काट के रख लिया है। और ये मैंने आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच काला मिर्च पाउडर और नमक टेस्ट का अनुसार लिया है। नमक हम संभाल के डाल लेंगे क्योंकि चाट मसाला में भी नमक रहता है और हमने बॉईल करने के टाइम में भी थोड़ा नमक ऐड किया था। और मैंने 1 चम्मच इमली की चटनी ली है और हरा चटनी ली है। अगर इमली का चटनी नहीं आपके पास तो आप टोमेटो सॉस भी यूज कर सकते हैं। अभी एक बाउल ले लेंगे और बाउल में हमने जो कॉर्न बॉईल करके रखे हैं वो ऐड करेंगे। अभी हम इसमें कांदा ऐड कर देंगे जो बारीक काट कर रखा था हमने, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, और 1 चम्मच हम हरा चटनी यूज करेंगे और 1 चम्मच इमली की चटनी यूज करेंगे। चाट मसाला, काला मिर्च पाउडर और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने का पहले आधा नींबू का रस भी हम इसमें निचोड़ लेते हैं, फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। नींबू के मैंने सीड सब निकाल दिए हैं और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तेज चाहिए। और कितना कलरफुल लग रहा है, तो खाने में भी बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत इजी है, जल्दी बन जाता है। कॉर्न चाट की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।